नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं जलवायु से संबंधित समस्त MCQ पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट समय समय पर उपलब्ध होता रहे। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार? मध्य प्रदेश है गोंडवाना लैंड का भाग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के गठन के समय राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना था? मध्य प्रदेश के गठन के समय कह रहे हैं दोस्तों, अगर अभी की बात करें तो अभी क्षेत्रफल दूसरा है। अभी अभी का क्षेत्रफल, वर्तमान क्षेत्रफल कितना है वो आप कमेंट के जरिए बताइए। और यहाँ पर दोस्तों गठन के समय पूछा जा रहा है जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था ये आपको बताना, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों 1956 में, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1956 में उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 4,73,446 वर्ग किलोमीटर। 4,73,446 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश के गठन के समय राज्य का कुल क्षेत्रफल था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस चट्टानों में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किन चट्टानों में पाया जाता है? चिल्पी क्रम में, सौंसर क्रम में, बिजावर क्रम में या साकोली क्रम में? यह पाया जाता है दोस्तों साकोली क्रम में, सबसे अच्छी गुणवत्ता का संगमरमर पाया जाता है। अंतर्वेदी आग्ना आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? अंतर्वेदी आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? क्रिस्टेशियस काल में, होलोसीन काल में, कार्बोनिफेरस काल में या प्लास्टोसीन काल में? तो अंतर्वेदी आग्नेय लावा से निर्मित निर्मित क्रिस्टेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, क्रिस्टेशियस काल में। नेक्स्ट है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु और मानसूनी जलवायु? मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 6 या 8? इसका आंसर है फ्रेंड्स 6 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश अपवाह तंत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। तिंदोली कन्हार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तिंदोली कन्हार नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की, बेतवा की, सिंध की या नर्मदा की? यह है दोस्तों नर्मदा नदी की कन्हार नदी। तिंदोली कन्हार नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सनकोटा व कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में किस जिले से संबंधित है? सनकोटा व कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में किस जिले से संबंधित है? सागर, डिंडोरी, सीहोर या मंदसौर? यह दोस्तों सनकोटा व कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना सीहोर जिले से संबंधित है। किस सीहोर जिले से संबंधित है? सीहोर दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। सिन्हावल नहर और पुरवा नहर प्रणाली किस बांध से निकली है? सिंहावल नहर और पुरवा नहर प्रणाली किस बांध से निकली है? तवा बांध से, इंदिरा बांध से, पुनासा बांध से या बाणसागर बांध से? बाणसागर बांध से निकली है दोस्तों सिन्हावल नहर और पुरवा नहर। बाणसागर बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? यह है दोस्तों सोन नदी पर स्थित। बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित मड़ोकी मकोड़िया बांध किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि मकोड़िया बांध किस जिले में स्थित है, यह है रायसेन जिले में स्थित। और मकोड़िया बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, केन, सोन या सिंध? यह है दोस्तों मकोड़िया बांध जो है वह बेतवा रिवर पर स्थित है, बेतवा रिवर पर रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू हुई थी? मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू हुई थी? वर्ष 1950, वर्ष 1952, 1956 और 1960? इसका आंसर फ्रेंड्स 1952 में मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति लागू हुई थी 1952 में। नेक्स्ट है, वाल्मीकि संदेश तथा
बंधन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? वाल्मीकि सॉरी दोस्तों, वाल्मीकि संदेश तथा बंधन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, राज्य वन अनुसंधान संस्थान और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के द्वारा। तो दोस्तों वाल्मीकि संदेश तथा बंधन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा किया जाता है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, किस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है? रातापानी अभयारण्य को, बगदरा अभयारण्य को, ओरछा या बोरी अभयारण्य को? इसका आंसर है फ्रेंड्स ओरछा अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य भी कहा जाता है। ओरछा अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है। भोपाल स्थित राजा भोज झील को किस वर्ष रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्र भूमि सूची में सम्मिलित किया गया है? भोपाल स्थित राजा भोज झील को किस वर्ष रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? वर्ष 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001 और वर्ष 2002? इसका आंसर है फ्रेंड्स वर्ष 2002। वर्ष 2002 भोपाल स्थित राजा भोज झील को रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्र भूमि में शामिल किया गया वर्ष 2002 में। दखन फसल शोध एवं तकनीकी प्रचार केंद्र कहाँ है? दखन तो ये है दोस्तों सीहोर में। दखन फसल शोध एवं तकनीकी प्रसार केंद्र है सीहोर में। दखन फसल शोध केंद्र है सीहोर में। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा में की गई? सबसे पहले ये याद रखना है कि भगवंत राव जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो खंडवा में स्थित है। और इसकी इस यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? यह की गई दोस्तों आपके पास ऑप्शन 1995, 2005 और 2015, 2018। इसका आंसर है फ्रेंड्स 2018 में। नेक्स्ट है देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका आंसर है फ्रेंड्स फोर्थ प्लेस पर है मध्य प्रदेश, कोयला उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बानमो और मुरैना में सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बानमो और मुरैना में सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया? तो 1920, 1921, 1922 या 1923? ये है दोस्तों 1922 में प्रथम सीमेंट कारखाना बानमो और मुरैना में स्थापित किया गया। 1923 में क्या हुआ था दोस्तों? 1923 में अगर हम हिस्ट्री पर बात करें तो 1923 में कौन से संस्थान की स्थापना हुई थी ये आपको दोस्तों बताना है कि भारतीय आज़ादी के आंदोलन के समय 1923 में कौन सा संगठन था जिसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को गेहूं की टोकरी कहा जाता है? मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी या बघेलखंड का पठार? इसका आंसर है दोस्तों मालवा का पठार। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? 1984, 1985, 1986 या 1987? इसका आंसर है आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1987 में की गई। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है? 5, 6, 7 या 8? मध्य प्रदेश के दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है और एक अभयारण्य में भी लागू है दोस्तों, जिसे कहते हैं रातापानी अभयारण्य। रातापानी अभयारण्य में भी प्रोजेक्ट टाइगर जो है लागू है। तो अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 6 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? सीधी, सतना, सिंगरौली या उमरिया? इसका आंसर है फ्रेंड्स सिंगरौली से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रथम बांध पगारा
का निर्माण किस वर्ष मुरैना जिले में किया गया था? मध्य प्रदेश का प्रथम बांध, याद रखिएगा प्रथम बांध कौन सा है, पगारा। इसका निर्माण किस जिले में किया गया, मुरैना में। किस वर्ष किया गया, 1920, 1923, 1925 या 1927। इसका किया गया दोस्तों निर्माण 1927 में। बरगी परियोजना का नाम क्या है, बरगी परियोजना का नाम क्या है, सम्राट अशोक, अटल सागर, अवंती सागर या संजय सरोवर। इसका आंसर है फ्रेंड्स अवंती सागर है, बरगी परियोजना का नया नाम अवंती सागर है। मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9, 10, 11 या 12। इसकी संख्या है दोस्तों 11। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी की किस ओर स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। इसका आंसर है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में टंगस्टन धातु पाई जाती है, बैतूल, सीधी, होशंगाबाद या पन्ना। इसका आंसर है फ्रेंड्स होशंगाबाद में टंगस्टन धातु पाई जाती है, होशंगाबाद में टंगस्टन धातु पाई जाती है। नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा कब प्रदान किया गया, 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो और आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि गंगा नदी को जो है जीवित इकाई का दर्जा कब दिया गया, और गंगा का राष्ट्रीय प्लान कब लागू किया गया। तो गंगा नदी का राष्ट्रीय प्लान 2009 में लागू किया गया था, और इसमें दोस्तों नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया 2017 में, 2017 में। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का उद्गम बड़ेश्वर कुंड से होता है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का उद्गम बड़ेश्वर कुंड से होता है, चंबल का, तवा, छिप्रा या वर्धा। तवा, चंबल, छिप्रा या वर्धा। इसका आंसर है दोस्तों छिप्रा नदी का उद्गम बड़ेश्वर कुंड से होता है, छिप्रा नदी का उद्गम होता है बड़ेश्वर कुंड से। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चचाई, बहुटी, केवटी या पुरवा। इसका आंसर है दोस्तों इसका सबसे ऊंचा कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा नहीं कह रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात जो है टोंस नदी पर स्थित है, और यह जलप्रपात चचाई नदी के पास स्थित है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बहुटी जलप्रपात। भूल से भी आप चचाई जलप्रपात मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना ऊंचा में बहुटी जलप्रपात। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है, चंबल, नर्मदा, ताप्ती या केन। तो चंबल नदी अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, सिवाला, योनाला, सियाला या चौमासा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को दोस्तों सियाला के नाम से जाना जाता है, ग्रीष्म ऋतु को योनाला के नाम से जाना जाता है, और वर्षा वर्षा ऋतु के मौसम को चौमासा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में किस अभयारण्य में खारमोर पक्षी को संरक्षण दिया जाता है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में खारमोर पक्षी को संरक्षण दिया जाता है, केन अभयारण्य में, बोरी अभयारण्य में, सरदारपुर अभयारण्य में या राला मंडल अभयारण्य में। यह दोस्तों सरदारपुर अभयारण्य में खारमोर पक्षी को संरक्षण दिया जाता है, सरदारपुर अभयारण्य में। सुंदजा आम की प्रजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है, सुंदजा आम की प्रजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सागर, अलीराजपुर, रीवा या अनूपपुर। यह है दोस्तों रीवा जिले में प्रसिद्ध है, सुंदजा आम की प्रजाति रीवा जिले में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, राजपीपला या मैकल में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2015 में यही यही क्वेश्चन दो बार आया था अलग अलग प्रकार से पूछ के। तो ये है दोस्तों महादेव श्रेणी में, महादेव श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, महादेव श्रेणी में। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे निचला भूभाग कौन सा है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे निचला भूभाग कौन सा है, विंध्यन कगार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी या मैकल श्रेणी। इसका आंसर है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश राज्य का सबसे निचला भूभाग है, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश राज्य का सबसे निचला भूभाग है। पार्वती, कुंवारी व कोराई किसकी सहायक नदी है, पार्वती, कुंवारी और कोराई किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, बेतवा, बेन गंगा या चंबल। ये है दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, पार्वती, कुंवारी और कोराई चंबल की सहायक नदी है।
मध्य प्रदेश की कौन सी नदी में सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी में सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है? बेतवा में, केन में, सोन में या फिर नर्मदा में? तो ये है दोस्तों, किन नदी में बहुमूल्य पत्थर सजर पाया जाता है, किन नदी में? नेक्स्ट है दोस्तों, चार्जर बाघ एवं सीता बाघिन किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध बाघ थे? चार्जर बाघ एवं सीता बाघिन किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध बाघ थे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के या पेंच राष्ट्रीय उद्यान के? ये थे दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध बाघ थे चार्जर बाघ और सीता बाघिन। चार्जर बाघ और सीता बाघिन। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बारहसिंगा व दूधराज को कब राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी घोषित किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बारहसिंगा एवं दूधराज को कब राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किया गया? 1980, 1981, 1982 और 1983। इसका आंसर है फ्रेंड्स 1981 में। 1981 में इन्हें राज्य पशु एवं पक्षी घोषित किया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एग्ज़ाम तक लगातार इसी प्रकार के मैराथन वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।